सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि बच्चों की पड़ चुकी हैं छुट्टियाँ, वो जा चुकी हैं वेकेशंस पर, तो हम आ रहे हैं स्कूल। तो हम सोचा हमारे पास कुछ काम है नहीं, रजिस्टर वर्क, डायरी वर्क सब कंप्लीट है। तो हमने स्टार्ट करा आपस में बातें करना, मजाक करना, और बहुत देर हो गई थी बातें करते करते। तो कुछ सोचा कि कुछ गेम खेल लिया जाए, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन कौन से गेम खेले जाएं जिससे टाइम पास हो थोड़ा सा। तो हमने कुछ डिसाइड किए 26 जनवरी, अंताक्षरी, बट उन सब में मज़ा नहीं आ रहा था। देन हमने डिसाइड किया कि अब हम खेलेंगे टग ऑफ वॉर, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा वाली मस्ती करी। यू कैन सी कि हम कितना इन्जॉय कर रहे थे इस दिन को। तो टग ऑफ वॉर खेलने के बाद हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि अब हमें कौन सा गेम खेलना है, क्योंकि हम लिटरली प्रॉपर तरीके से थक चुके थे। अब आ चुकी हैं शाहीन मैम, कहती हैं मैं इस बार वाला टास्क जीत के रहूँगी, बट हुआ कुछ ये कि उनकी बात सच हुई और हम जाके गिरे पीछे। बट मैंने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा, और देखो वाह, मैं गिरते गिरते बची। और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब कुछ और गेम खेला जाता है। हमने बहुत देर तक कोशिश करी जीतने की, यस कि एक बार जीतेंगे इस बार, बट हम जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। और फिर आई फरहीन, और फरहीन को भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बेचारी वो भी पीछे जाके गिरी हमारे साथ। देन हमने डिसाइड किया अब हम खेलेंगे कोना कोना, और कोना कोना में ये देखो अली मकंदर आ गया भूत, और यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी। देखो क्या सीन हुआ। और आप देख सकते हैं कि हम सब ने उतार रखी है अपनी स्लीपर्स, क्योंकि फर्श पूरा स्लीपी था, तो हमें लग रहा था खेलते में कहीं स्लीपर टूट ना जाए या फिर हम कहीं गिर ना जाएं। तो हमारा ये गेम बहुत लंबा चला। इसके बाद हमने खो खो खेलने का प्लान किया, बट हमारे पास खो खो खेलने के लिए प्लेयर्स कम थे, तो हमने इसी गेम को किया कंटिन्यू, और लिटरली इसमें हमें बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आ रहा था। और सडनली सर आए पास, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, और वो इतना हल्के बोलते हैं और वो निकल गए, और मेरे समझ नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ सर ने बोला क्या है, और फिर बातों को इग्नोर करते हुए हमने गेम पे दोबारा ध्यान दिया। ओह वाह, इस बीच में मैंने देखा कि फरहीन मैडम हो चुकी हैं आउट, अब उनकी चल रही है डैन। तो अब वो कोशिश कर रही हैं कि किसी के कोने को हथियाने की, और मुझे देखो हो गई मैं तो पागल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चुप्पू आंदोलन वाला पूरा प्रदर्शन सामने आ गया हमारे। और यहाँ पे हम इस वाली बात पे हंस रहे हैं कि अभी क्या सीन हुआ है हमारे साथ, मतलब मैंने भी अपनी जगह छोड़ी उधर से, अलीशा ने अपनी जगह छोड़ी, और पीछे की तरफ से शाहीन मैम ने अपनी जगह छोड़ी, बस तीनों अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। फाइनली
फरीन मैम ने पूरी कोशिश की किसी ने किसी को आउट कर दिया, किसी का कोना ले लें, बट बेचारी नहीं ले पा रही थी किसी का भी कोना। फिर हमने डिसाइड किया अभी इसको और पागल बनाते हैं बेचारी। खेलते खेलते लग गई गर्मी, देखो कितनी गर्मी लग रही है, बट फिर भी ये किसी को नहीं हरा पाई और बेचारी बीच में ही खड़ी रही। इतना कहने के बाद भी पीछे नहीं देखा फरीन मैडम ने और हमने किया अपना कोना दोबारा से चेंज। गेम खेलने के बाद फरहीन मैम बन गई रिक्शे वाली फरहीन मैम और इस बार रिक्शा चला रही हैं फरहीन और मैं और अलीमा बैठे हैं रिक्शे के अंदर और सारे टीचर हमारी इस मस्ती को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अब इनको बैक लेनी तो आती नहीं क्योंकि इन रिक्शाज में बैक होती नहीं है, तो अब उतर के कितनी मेहनत कर रही हैं। फाइनली हमारा हो चुका था टाइम आउट, हम थक चुके थे और हंसने की कंडीशन देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम पागल हो गए थे हंसते हंसते खेलते खेलते। अब हमें लगा कि अब लगता है वाट लगेगी, जल्दी से हमने किया रिक्शे को उसकी जगह पे सेट और हम उसे सेट करने के बाद पहुँचे लंच करने क्योंकि भूख की अच्छी खासी कंडीशन थी। लंच किया, लंच बहुत सारा था। लंच करने के बाद हमने किए पैसे कलेक्ट फॉर वाट, फॉर आइसक्रीम। तो हमने मंगाई मैंगो ड्यूज आइसक्रीम और अभी स्कूल की जा चुकी है लाइट और इन्वर्टर नहीं करा था काम, तो हम बैठे हैं बाहर गर्मी में और कर रहे हैं आइसक्रीम का वेट। और वेट करते करते इतना टाइम हो गया और सडनली आई हमारी आइसक्रीम। हमने प्रॉपर तरीके से बहुत ही मज़े के साथ इंजॉय करते करते बातें बनाते बनाते मस्ती करते करते खाई। बट गाइज मैं एक वीडियो कैप्चर करना भूल गई, जैसे ही सबने अपनी आइसक्रीम को फ़ोटोज़ के लिए आगे किया तो मैंने एक टीचर की आइसक्रीम आधी खा के भाग गई मैं और लीमा, और ये वाला इतना अच्छा मोमेंट मैंने कैप्चर करना भूल गई क्योंकि मेरा कैमरा रखा था साइड में। स्कूल के शताने के बाद हम पहुँचे शाहाना मैम के यहाँ क्योंकि वो थोड़ा बीमार थी, स्कूल नहीं आ पा रही थी, हमारी सीनियर टीचर हैं। हमने जाकर बेल बजा के बाद मिला तो अब हम उनके घर में बैठ के बातें बना रहे हैं जबकि हम देखना है तो उनको। तो अब चलिए बात क्या था, उन्होंने लगा दी हमारे दर्शक हम साइड पीछे लग गए शाहाना मैम की मदद करने और हम लग गए अपनी वीडियोस बनाने। ये आ गई शाहीन मैम जो कि दर्शक लगाने की जगह हमारे ऊपर बिछाने की कोशिश कर रही है। और आगे हमारा गर्म गर्म नाश्ता जिसको हमने बहुत ज़्यादा छीन झपट के खाया, सब तो लग गए थे सर्व करने में और हम लग गए थे खाने में। वाव अब हम किसी के घर जाएं फर्स्ट टाइम तो हमको आ रही थी बहुत ज़्यादा शर्म, हम नहीं खा पा रहे थे कुछ भी, तो हमने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं उसके बाद इतनी बातें जैसे पता नहीं कितने साल बाद मिले जबकि हम डेली स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से ही हम शाना मैम के हमें होने आए हैं। अब नाश्ता तो लग चुका था बट हमें आ रही थी शर्म, तो हमारे सीनियर्स ने कहा अरे शर्मा मत अपना ही घर है जी भर के खाओ, फिर हमने अपना घर से मत के सब कुछ खा लिया। उसके बाद दूसरों को हमने खाने का मौका नहीं दिया क्योंकि मैम ने कहा था बहुत ही प्यार और शिद्दत से और खुलूस से कि अपना घर है। हमने खाने के बाद ही हमारी बातों की वीडियो हम इत्मीनान तक आगे बैठे हुए हैं।